गोविंदपुर थाना के रतनपुर खालसा होटल से महज कुछ ही कदम दूरी पर प्रतिबंधित मांगुर मछली लदे ट्रक को ग्रामीणों ने प्रशासन के हवाले कर दिया। इधर घटना की सूचना पाकर मत्स्य विभाग की टीम भी सक्रिय दिखी। वहीं मत्स्य विभाग की टीम ने मछली का सैंपल कलेक्ट कर अपने साथ ले गई। जिला मत्स्य विभाग ने अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मामले को संज्ञान में लेकर सैंपल की जांच की जाएगी, पुष्टि होने के पश्चात ही कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों के द्वारा कल एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें प्रतिबंधित मांगुर होने का संदेह है, तो उसके आलोक में आज सुबह हम जांच किए तो पहला दृश्य में लगता है कि वो कोई खाई मांगुर है। इसकी पुष्टि के लिए हम लोग रांची अनुसंधान केंद्र सालीमा ले जा रहे हैं। पुष्टि होने के उपरांत जो है आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी, ठीक है। तो सैंपल को हम लोग ले जा रहे हैं रांची। अगर देखा जाए तो इस तरह के कार्य जो है मांगुर मछली का मामला जब मतलब आता रहता है जो है प्रकाश में, उससे पहले कैसे रोका जाए उसको? के स्तर पे है ना, सरकार का तो चिट्ठी दिया गया है ना, तो किसानों को भी दिया गया है, मिठाई मांगुर प्रतिबंधित है, उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाए, ठीक है। नाम और पता सर? रंजीत कुमार है ना, मत्स्य प्रचार पदाधिकारी, धनबाद। फिलहाल